नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक धार्मिक संगठन की मदद से पुलिस ने शराब की अवैध खेप लेकर जा रही स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा है। वाहन में 16 पेटी शराब लूट थी, जिसकी अनुमानित कीमत 64,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान वाहन में सवार दो तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। दरअसल कार्यवाही एवं धार्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण की मदद से सिंगरौली की सराई थाना पुलिस ने की है। जानकारी के मुताबिक धार्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन समाज में नशा मुक्ति दिशा में काम कर रहा है। बताया गया कि संगठन को शराब की अवैध खेप आने की सूचना मिली थी, जिस पर संगठन के लोगों ने जब शराब की खेप से लोड स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उसने भागना शुरू कर दिया, जिस दौरान पीछा करते हुए संगठन के लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और सराई थाना पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन की तलाशी के दौरान 16 पेटी शराब जब्त की, साथ ही वाहन में सवार दो तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में हर्षित सिंह व भारत राज सिंह शामिल हैं, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।